अंतरिक्ष आयोग के सदस्य वित्त आर श्रीधरन को परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वो 1983 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अजय बिसारिया पाकिस्तान में भारत के अगले उच्चायुक्त बन सकते हैं। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी अजय बिसारिया फिलहाल पोलैंड में भारत के राजदूत हैं। आरके मिश्रा ने आईटीबीपी के अपर महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। वो 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अंजलि भवारा और रवनीत कौर को भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित कर लिया गया है। ये दोनों ही 1988 बैच की पंजाब कैडर आईएएस अधिकारी हैं। राजीव बंसल को भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, चयनित कर लिया गया। वो 1988 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आंध्र प्रदेश में 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, जे एस वेंकटेश्वर, के प्रवीण, बी उदय लक्ष्मी, के सुनीता जी वाणी मोहन शामिल हैं। और इस खबरें की विधि और न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से देश के नए प्रधान न्यायाधीश का नाम मांगा है। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश जे एस खेर अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। शशांक आनंद को चंडीगढ़ में एसपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया है। वो 2006 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। टीकी मोहम्मद को पोस्टल सर्विस बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की सदस्य अमिता सूरी को महानिदेशक ऑडिट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के अधिकारी हैं।